आप देख रहे हैं शान अशरफ और आज मैं आपकी लाइव मशीन ब्रदरी कंपाइलर की वीडियो। इस मशीन में बड़े अच्छे फीचर्स दिए हैं। सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ लें कि बॉबिन बाइंडर है, धागा भरने के लिए यूज़ होता है। धागा भरना आप इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और धागा भरने का इसको बाहर लेके आना है, ठीक है। ये इसके टेंशन यूनिट है, ये इसका सिस्टम है, फॉर्मेट है। अरे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल शान अशरफ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जितने भी न्यू हमारे व्यूअर्स देखने वाले को क्लिक कर लें ताकि हमारी अपडेटेड जितनी वीडियोस हैं आपको मिलती रहें। शेयर करें, कमेंट्स करें। तो वीडियो स्टार्ट करने जाएंगे अभी हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लें कि ये आपने जब मशीन में इसमें सिलाई है, ज़िगज़ैग की पीको है, ये डिज़ाइनिंग है। तो सिलाई कैसे होगी, पीको कैसे होगी, डिज़ाइनिंग कैसे होगी, अब आपको सिलाई करनी है तो आपने उसको रखना है एम पर, ये नुक्ते के सामने एम पर रखना है। सिलाई के लिए इस कर्सर को जीरो पर रखना है, ये लेंथ का कर्सर है, जीरो पर रखना है इसको आपने, और इसको करीब इसको रखना है आपने दो या तीन पर रखना है सिलाई करने के लिए। सिलाई के टांग का छोटा बड़ा करने का, ये रिवर्स करने का, धागा रिवर्स पक्का करने का है। ये मशीन का टेंशन है धागा लूज स्टार्ट करने के लिए। ये आपका बूट है, मास्टर बूट में सिलाई हो जाएगी, ज़िगज़ैग हो जाएगी, डिज़ाइन मिल जाएगी। दुपट्टे की पीको करनी तो आपने ये पीको का बूट लगाना है। ये बूट कैसे रहता है, बड़ा ईजी सिस्टम है। आपने लगाया बूट को, आम मशीन का पेशे से आपने उसको टाइट कर दिया, कर दिया, ठीक है जी। ये टाइट हो गया आपका। अब धागा कैसे लगाते हैं, धागा कैसे भरते हैं जाते हैं आपको। ये आपने स्टिक लगी हुई, स्टिक उठाई आपने, यहाँ पे आपने रील लगानी है इसके ऊपर, यहाँ भी लगी रील। धागा भरने के लिए आपने बॉबिन को लगाया यहाँ पर, बॉबिन भरने के लिए, और इस मंजिल को आपने अंदर पुश कर दिया। ये बॉबिन अंदर पुश कर दिया आपने अंदर की तरफ थोड़ी ताकत से, इस पुली से धागा हमारे, इस पुली से ताकि धागा आपका स्मूथ बनेगा। देखिए अब मैं धागा भर के दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल परफेक्ट से देखिए धागा खुद, धागा देखिए खुद भरेगी। जी जी देखिए भर ही जाएगा, देखिए धागा बिल्कुल मशीन ने परफेक्टली धागा भरा है, स्मूथनेस है, ठीक है जी। आम मशीन की तरह बॉबिन केस लगेगा, ये बॉबिन केस है। इसके धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपने, नरम रखना है। नॉर्मली आपकी मशीन ख़राब होती है क्या, इसकी वजह क्या है, आप धागा ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, ठीक है। शेडल आपने लगा दी सामने से, बिल्कुल फ्रंट से शेडल बैठती है मशीन की, इम्पोर्ट मशीन की, लगा के उसको आपने धागे को अंदर छोड़ दिया और ट्रे को बंद कर दिया। अब धागा लगाना कैसे, ये देखिए आपकी धागा की लिया लगी। पहले इससे धागा लगाने के लिए ये पीछे हुक दिया हुआ आपका, या देखिए हुक दिया हुआ बैक साइड से, ये धागा यहाँ से आया हुक से, ठीक है जी। पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप ये प्लेटों से धागा आएगा, ये प्लेटों में क्या धागा। थर्ड स्टेप यहाँ से हुक से उठाया धागा आपने। फोर्थ स्टेप आप पहियों को घुमाएंगे, ये कुंडी बाहर आएगी। नॉर्मल लोग उसमें धागा डालना भूल जाते हैं, इसमें धागा डालना बड़ा मस्त है। धागा डाला इसमें आपने, ये हुक में क्या धागा, ये हुक में गया। अच्छा धागा डालते वक्त बूट और सुई दोनों चीज़ें ऊपर होनी चाहिए। सुई में धागा जाएगा बिल्कुल फ्रंट से, या पे बूट नीचे किया आप, और बिल्कुल आपने फ्रंट से धागा डाली सुई के अंदर, या फिर धागा आ गया सुई के अंदर सामने से। अब पहिया घुमाएंगे, जैसे आप मशीन का पहिया घुमाते हैं आप, पहिया घुमाया धागा उठा लेगी मशीन आपकी। ये दोनों धागे आपने कर दिए बैक साइड पर, सिर्फ सिलाई करनी है। मैंने एम पे रखा हुआ है, जीरो पे रखा हुआ है, इसको ढाई नंबर पे रखा हुआ है। अब मैं एक नॉर्मल सा कपड़ा ले रहा हूँ सिलाई के लिए, एक नॉर्मल सा आम कपड़ा सिलाई का कपड़ा लगाया हमने सिंपल सा। चलाने से पहले मशीन को हमेशा पहिए को आप एक से दो दो हाथ से घुमा लें ताकि मशीन धागा पक्का कर ले। चलाया था, ये रिवर्स का ऑप्शन है, ये बैक करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। ये चाकू वगैरह पे सिलाई पकड़, ये सिलाई सही आ रही है बिल्कुल, ये सिलाई नीचे भी सही आ रही है। हल्का दाना अगर नीचे आ रहा है आप धागे को थोड़ा टाइट कर लें आप, ठीक है जी। अब देखिए साउंड भी परफेक्ट होगा मशीन का, ये देखिए अब सिलाई और अच्छी होगी, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हो गया, दाना खत्म हो गया। अगर दाना है तो टेंशन की सेटिंग यहाँ से है, पाँच या छः पे रख लें दाने इसकी सेटिंग। ये आपकी सिलाई आ रही है बिल्कुल स्मूथनेस से, ये आपका सिलाई का ऑप्शन हो गया, ठीक है जी। अगर आपको ज़िगज़ैग करनी है, डिज़ाइन बनाना है कोई सा भी, उसके लिए आपकी प्रायोरिटी ये है कि जितने कपड़ा है इस कपड़े के बीच में कागज़ या बुकिंग डालनी ज़रूरी होती है। खाली कपड़े पर आप करेंगे तो कपड़ा फंसा देगी मशीन। कि मैंने कागज़ को यूज़ कर रहा हूँ बुकरम के तौर पर, मैंने कागज़ लगा दिया, तो यहाँ लगाया मैंने कपड़े को, इसको मैंने हुआ नंबर फाइव पे, ये चौड़ाई के लिए। पाँच पे रखा मैंने, इसको एम पे रखा हुआ है, इसको मैंने कर दिया डेढ़ या दो नंबर पे, डेढ़ पे रख रहा हूँ फिलहाल। ये लेंथ के लिए करीब करीब करेगा ज़िगज़ैग, देखिए आप करीब करीब ज़िगज़ैग कर रहा है, देखिए आप हो रहा है करीब करीब। अगर आपको खुला खुला करना है, ऐसे आप बढ़ा दें इसकी लेंथ, यानी लेंथ बढ़ा दें टू पे कर लें, खुला खुला करेगी ज़िगज़ैग। और यहाँ से अगर आप चौड़ाई कम करना चाह रहे हैं आप थ्री पे कर लें, उसको वन पे कर लें, चौड़ाई कम हो जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। रफू वगैरह करने के लिए होता है, तो हमारे घरों में रफू वगैरह करते हैं कोई भी चीज़ से, उसके लिए पर्दे वर्दे कोई भी चीज़ रफू करने से यूज़ होता है, ठीक है जी।
अब आपको कोई सा भी डिज़ाइन बनाना है, सिंपल सी मशीन है ये, डिज़ाइन नंबर वन है आपका, 5 पे रखा आपने इसको, इसको 1 पे रख लिया आपने, चलाने से पहले पहिया घुमाएगी इसे दूसरा, परफेक्ट काम करेगी मशीन, ठीक है जी। और डिज़ाइन सेलेक्ट करते हुए सुई ऊपर होनी चाहिए ताकि मशीन की सुई टेढ़ी ना हो जाए। अच्छा जी, मशीनों में नॉर्मली फॉल्ट आता है ना कि मशीन कपड़ा वो समेट दी, गुच्छा कर दी, सुई की नोक हमेशा चेक कर लिया करें, अगर सुई की नोक ख़राब होगी तो फॉल्ट ही आते हैं, तो छोटे मोटे फॉल्ट घर बैठे यूज़ हो सकते हैं। ये आपका हो गया, अपना वो पीको का दिखा रहा, पीको के लिए आपने इस बूट को यूज़ करना, पीको का बूट ही वाला, ठीक है जी। लगता कैसे, आपने हल्का टेस्टर वगैरह घर को रख लें, यहाँ से खोला मैंने टेस्टर से, ये बूट को सही कस देंगे, टाइट कर देंगे, ये बूट लगाना पीको का आपने, सिंपल सा बूट है ये, पीको का बूट लगा लिया आपने, कस दिया उसको आपने फुल टाइट करके। अच्छा जी, दो कट से धागे बाहर जाएगी, दो कट से धागे बाहर आएंगे पीको के लिए, दो कट से धागे बाहर आएंगे। एम पे रखनी है आपको शेडिंग में, एम पे लाजमी करना है, 5 पे रखना है, शादी पीको 2 पे होगी, जापानी पीको 1 पे होगी। तो बेसिक मोड वाले जो नए सीखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि शादी पीको करके अपने हाथ रवा कर लें, बाद में जापानी पीको बेशक आप कर रहे हैं। पीको के लिए आपने कपड़े को लगाना है ऐसे, चलाने से पहले सुई को जो है हाथ से घुमा के नीचे रखनी है आपने, कपड़े को आपने फोल्ड करना लाजमी है, इधर में कपड़े को फोल्ड करा और पीछे कपड़ा खींचना ज़रूरी है, वरना कपड़ा मशीन अंदर फंसा लेगी, ठीक है ना, कर रही है पीको। अच्छा ये शादी पीको हो रही है, अगर आप चाहते हैं भरी भी जापानी पीको करना है, उसके लिए आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है, प्रैक्टिस अगर आपकी परफेक्ट अच्छी प्रैक्टिस है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इसके नंबर को रिड्यूस करना, 1 पे लेके आ जाएँ, ठीक है जी। कपड़े को लाजमी खींचना, छोड़ना नहीं आपने कपड़े को, वरना कहीं कपड़ा फंसा देगी। ये भरी भी पीको है, ये देखिए भरी भी गोरी घनी भी गोरी, लेकिन बेसिक मोड वाले के लिए बेहतर ये कि आप 2 पे रख लेना इसको आप। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊँ, आज इस वीडियो में इन्फॉर्मेटिव बात भी बता दूँ आपको एक बहुत, कि अगर आपने कभी गलती से ये बटन आपको दिख रहा है वाइट वाला, बच्चों वाला घर है, किसी ने अगर इस बटन को दबा दिया तो ये बटन के दांते नीचे ले आएंगे, ये एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ किया जाते हैं, फ्रेम एम्ब्रॉयडरी के लिए। अगर किसी के पास ऐसी मशीन हो फ्रेम एम्ब्रॉयडरी करना चाह रहा है, बटन को दबा दे उससे फ्रेम एम्ब्रॉयडरी होती है। आप इस बटन को बग दोबारा दबाए के प्रेस करके बाहर जाएगा, देखें ये पुश किया मैंने दांते नीचे लेके, ये दांते ऊपर आ गए, दांता ऊपर रखना लाजमी है, ये इसका प्रेशर कंट्रोलर है, ये इसको रखना 2 पे आपने। अगर बहुत बारीक कपड़ा है, जाली वाली नेट है, कोई शेफू का कपड़ा है, आप इसको 1 पे रख लें, इससे प्रेशर कंट्रोल होता है, बूट का प्रेशर कंट्रोल होता है। नॉर्मली इसको 2 पे रखें, सुई कैसे लगती है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद है इन्फॉर्मेशन देना आपको। हाथ से खोला आपने, पेचकस से खोलने की जरूरत नहीं सुई को, सुई आपकी आम मशीन ही की लगेगी, लेकिन लगेगी चपटा इससे अंदर जाएगा, गोल सा बाहर रहेगा, ये चपटा इससे अंदर है, गोल सा बाहर है, सुई बिल्कुल सामने लगेगी। देखिए अपने हाथ को देखें आप, हाथ और सुई एक जैसी होगी, ये गोलाई है, ये गोलाई है, ये चपटा है, ये चपटा है, देखिए गोलाई इससे आपकी तरफ, चपटा इससे अंदर की तरफ, बिल्कुल ऊपर तक सुई लगेगी और हाथ से आपने इसको कस लेनी है, ठीक है जी। एक और बात मैं बताऊँ, इसमें शटल में आपने ऑयलिंग करते रहनी है कतरा कतरा, और ये रॉड में आप ऑयलिंग करते रहनी है, कभी इसमें धागा वगैरह फंस जाए प्रॉब्लम होती है तो सफाई करना बहुत ईजी है। इसके लिए आपने सुई उठाई अपनी ऊपर सी, ये निकाला आपने, ठीक है जी, 2 क्लिप खोले, सुई ऊपर रखनी है आपको, ये ढक्कन खुल जाएगा, आपने निकाला, ब्रशिंग मेकअप वाले ब्रश से सफाई कर लें आप, इसकी सफाई कर लें आप, इसका लगाना बिल्कुल ईजी है। सुई ऊपर रखनी है आपने मस्त है, ये आपने इसको चोच से पकड़ना है, 2 कट नीचे जाएगी, चोच से पकड़ा आपने, 2 कट नीचे जाएगी, हल्की जी मंजू चेड़ी के लिए क्रॉस कर लें आप, तो ये आपको लगाने में ईजी हो जाएगा। ये बैठ गया, देखें आप लॉक बैठ गया अंदर इसका, ये बैठ गया। अब आपने इसकी दरवाजे को बंद कर देना, ये दरवाज़ा बन गया और ये लॉक कर दिया, ये 1 स्टेप, ये 2nd स्टेप लॉक, ये देखिए लॉक हो गया, और इसमें कचरा ऑयल डाल दिया। अच्छा लॉक करने और चला के घुमा के देख लेंगे मशीन ये फंस तो नहीं रही, ये ज़्यादा आदमी चेक कर। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं, अल्लाह आपको बहुत जिदा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।